बात जब ऑटिज्म की हो, उससे एसोसिएटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी स्पेशल चाइल्ड स्पेशल किड्स जो होते हैं, उनमें जितनी भी तरह की प्रॉब्लम हो, सबसे कॉमनली उनमें देखने को मिलता है कि उनका एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग जो होता है, एडीएल एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, वो मोस्टली डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स पे। कोई फुल्ली डिपेंडेंट होता है, कोई लेस डिपेंडेंट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा वही हैम्पर करता है एडीएल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। इस पे हमने कितनी बार समझाया है, बहुत सारे जो लोग भी हमारे ऑनलाइन सेशन में आते हैं उनको जब हम होम प्रोटोकॉल देते हैं तो उसमें लास्ट में एडीएल एंड बिहेवियरल ट्रेनिंग लिख देते हैं। तो बिहेवियर का तो समझ में आता है कि जैसा बिहेवियर है, अब कोई के रिपीटेटिव किसी का ये है बिहेवियर, किसी का है कि वो जिद करता है, किसी चीज पे रिजिड हो जाता है, कोई ऑब्सेसिव है किसी चीज को लेके, तो इन सब चीजों को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें समझाई जाती हैं। लेकिन एडीएल ट्रेनिंग के लिए कितनी बार लोगों ने बोला कि एडीएल ट्रेनिंग पे वीडियो बनाइए, एडीएल ट्रेनिंग में मोस्टली वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का वीडियो होगा, तभी जाके चीजें समझ में आएंगी। लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले क्या, एडीएल ट्रेनिंग देने से पहले बेसिक चीजें क्या क्या होती हैं वो समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर वो आप समझ लेंगे, बेसिक चीजों को जब तक नहीं समझेंगे तब तक तो आप एडीएल ट्रेनिंग दे नहीं सकते हैं। और हर एक बच्चे में उनके पेरेंट्स को ही एडीएल ट्रेनिंग करना होगा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये एक महीने डेढ़ महीने दस दिन बीस दिन का खेल नहीं है। इसमें दो महीने तीन महीने छह महीने तक का लग जाता है एडीएल ट्रेनिंग में, फुल्ली इंडिपेंडेंट बनाने में। इसीलिए बोलते हैं ना कि जब भी इसका हम लोग प्रोटोकॉल सेट करते हैं, रिहैबिलिटेशन का कोई भी प्रोटोकॉल जब सेट होगा तो उसमें शॉर्ट टर्म गोल लॉन्ग टर्म गोल सेट किए जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल देखा जाता है कि क्या क्या चीजें अभी तत्काल जरूरी हैं, उनको पहले ये कर लिया जाए, ठीक कर लिया जाए, उसके बाद हम जाएंगे लॉन्ग टर्म गोल पे। तो ये समझ लीजिए कि ये लॉन्ग टर्म गोल का पार्ट है एडीएल ट्रेनिंग। तो एडीएल ट्रेनिंग पे आज का हमारा वीडियो रहेगा और ये वीडियो सबके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें और इससे आपको काफी हेल्प मिल सकती है घर पे कैसे बच्चे को ट्रेन करना। तो चलिए सबसे पहले बेसिक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या जरूरी होता है एडीएल ट्रेनिंग के लिए। एडीएल ट्रेनिंग जानने से पहले शॉर्ट में हम एडीएल के बारे में जान लेते हैं, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग बोलते हैं, जो हर किसी की रोजमर्रा जिंदगी में जरूरी एक्टिविटीज है। मतलब आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठने से रात के सोने तक दिन भर की जितनी भी सारी चीजें आपके लिए जरूरी हैं, जो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करनी चाहिए, उसको बोलते हैं जनरल एडीएल। कि इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करना चाहिए मतलब वो और किसी के सहारे आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सुबह उठेंगे तो टॉयलेट जाना हुआ तो इंडिपेंडेंटली जा रहे हैं तो वो आपको ये करना है। टॉयलेट के बाद से ब्रशिंग होता है तो ब्रश आप कर रहे हैं, नहाना होता है, उसके बाद से ड्रेसिंग होता है, कॉम्बिंग होता है, ये सारी चीजें, अपना नाश्ता खाना ये करना, ये सारा चीज आता है जनरल एडीएल में। इंस्ट्रूमेंटल एडीएल की बात करते हैं, दो तरह का एडीएल होता है, जनरल और इंस्ट्रूमेंटल। इसके बारे में मैंने बहुत बार चर्चा किया है, वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दिया जाएगा, उसमें आप डिटेल में उसको देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एडीएल में होता है कि जैसे अभी खाना, हम खाने की बात कर रहे थे, लेकिन खाने में बना क्या क्या है, उसकी रेसिपी क्या क्या है, वो जानना। कभी मान लिया कि आप किसी पर डिपेंडेंट हैं, वो हमेशा आपको खाना बना के दे रहे हैं, मदर हो सकती हैं घर के, तो वो दे रही हैं, अगर किसी दिन वो नहीं है तब आपको अपने लिए कुछ अरेंजमेंट करना होगा ना खाने पीने के लिए, तो वो खुद से कर लेना, वो इंस्ट्रूमेंटल एडीएल। अपना रोजमर्रा की जिंदगी का बेसिक नीड पूरा करना तो जनरल एडीएल में आता है। लेकिन ये जैसे अकाउंटिंग हो गया, ड्राइविंग हो गया, ये कुकिंग हो गया, अपना बेड वगैरह जमाना, ये सारा चीज जो होता है ये सब आता है इंस्ट्रूमेंटल एडीएल, मतलब थोड़ा एडवांस लेवल पे चला जाए। तो यही दो तरह के एडीएल होते हैं। अगर ये आपका बच्चा इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर ले रहा, तो आप लोग पूछते हैं ना कि ऑटिज्म ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो इसमें यही होता है कि इंडिपेंडेंटली सारे लोग एडीएल परफॉर्म कर ले रहे हैं, हम भी वही करते हैं, हम क्या है कि इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर ले रहे हैं, इसलिए समाज के हिसाब से हम सही हैं। उसी तरह आप कर ले रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। बच्चा नहीं कर पा रहा है तो समाज के हिसाब से हम जब कंपेयर करते हैं, तो तुलना जब करेंगे तो देखेंगे उनका बच्चा कर लेता है, मेरा बच्चा नहीं करता, या उसी घर में उसका बड़ा भाई उसकी बड़ी बहन है वो कर लेती है, ये नहीं करता। तो इसी तरह तुलना करके ही, कंपेयर करके ही ना हमको पता चलता है कुछ तो प्रॉब्लम है। तो ऑटिज्म ठीक हो सकता है, बिल्कुल ठीक हो सकता है, एडीएल इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करा दिया जाए तो। किसी भी केस में अगर इंडिपेंडेंटली एडीएल परफॉर्म कर लिया तो इतना ही चाहिए होता ना कि किसी को पैसा दिया तो ले ले, किसी से लिया तो दे दे, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर ले, हिसाब किताब समझ ले,
तो बस ये होता है हमारा एडीएल। अब बात करते हैं कि एडीएल ट्रेनिंग के लिए बेसिक चीजों की जरूरत क्या है। चलिए अभी आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी पे एक नजर डालिए। सुबह में आप उठते हैं तो उठने के साथ साथ कुछ लोग की आदत है कि रात का बासी पानी पीते हैं, जो मुंह होता है हमारा, उठे हम लोग बासी मुंह ही पानी पीते हैं। तो वो इसलिए कहा जाता है कि जो भी मुंह में लार वार होता है वो पानी पीने से क्या होगा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है, वो उसका नेचर एल्कलाइन होता है, इसलिए बोला जाता है वो कि वो उसी के साथ पानी पी लेने से होता है कि हमारा पूरा डाइजेशन का सिस्टम सही रहेगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम गट हेल्थ इश्यूज वगैरह नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होगा। तो इस बारे में जब ये करते हैं तो सबसे पहले जो बहुत सारे लोग करते भी हैं, सुबह उठते हैं तो पानी पीते हैं, कुछ लोग गर्म पानी पीते हैं, उसके बाद टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट चले गए, उसके बाद अपने फ्रेश हुए, फिर ब्रशिंग किए, ब्रशिंग कर लिए, उसी के साथ नहा भी लिए, अब नहा लिए उसके बाद से अब कॉम्बिंग ड्रेसिंग सारा चीज करना होता है। तो ये तो एक जनरल जो आदमी से जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर ले रहा है। जिन बच्चों में प्रॉब्लम है, जो नहीं कर पा रहे हैं, जिनमें सेंसरी इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है, जिनमें डिलेड माइलस्टोन है, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको कैसे ट्रेन करेंगे हम आपके उदाहरण से समझाएंगे। मान लीजिए सुबह बच्चा उठा, तो उठा सबसे पहला काम क्या होता है कि टॉयलेट जाना। बच्चा टॉयलेट ट्रेन नहीं है, टॉयलेट ट्रेनिंग उसकी नहीं है, तो इसलिए वो नहीं जाना चाहता है, या फिर हो सकता है कि गट हेल्थ इश्यूज भी बच्चों में होते हैं, तो हम लोग जैसे सुबह उठेंगे तो तुरंत हमको पता है कि टॉयलेट जाना, तो इंटेंशन भी वो है, और क्या है कि हम उसके लिए पूरी तरह, अगर नहीं सुबह जा पाए तो पता है कि दिन भर हम फ्रेश नहीं रहेंगे, तो उसके लिए सारा अरेंजमेंट हम करेंगे, जितना भी गर्म पानी पीना होगा, कोई नींबू पानी लेते हैं, जो भी लेना होगा हम लेते हैं। बच्चे में गट हेल्थ इशू होने की वजह से क्या होता है कि उनको अगर उस टाइम में पोटी नहीं आई तो टॉयलेट बच्चा नहीं गया। पेरेंट्स लोग की प्रॉब्लम ये है कि सुबह सुबह, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सुबह सुबह उठते बच्चे के मुंह में दूध पकड़ा देना, सुबह सुबह उठते कच्चा दूध या फिर दूध, ठंडा दूध देना भी नहीं होता है, वो नुकसान ही करेगा, गट हेल्थ इशूज उसकी वजह से रहेंगे, गैस की प्रॉब्लम रहेगी, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो वो चीजें तो करनी नहीं होती है। अब सुबह उठते ही उसको क्या करना है, जैसे आप एकदम टाइमली टॉयलेट में जाते हैं, बच्चे को भी सुबह उठते के साथ थोड़ा सा मुंह पे पानी फेंक के, मुंह धो के उसको टॉयलेट में लेके जाना चाहिए। अब प्रॉब्लम वहां पे क्या होती है, टॉयलेट ट्रेनिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ जो टॉयलेट सीट का जो बनावट जैसा है उसकी वजह से ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है। उसमें जाने से बच्चे, एक तो घर में बड़ा बड़ा रूम है तो उधर फ्रीली घूमने में बच्चे को प्रॉब्लम नहीं, इस तरह के बच्चों को छोटे रूम में रखेंगे सफोकेशन टाइप उनको यह होगा, तो उनको फियर्स का सेंस आएगा, तो उसमें वो जाना नहीं चाहते हैं, तो वहां की बनावट उस पर से। अब जो सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है टॉयलेट का सीट, इंडियन टॉयलेट का सीट जैसा बनाया होता है, एक तो थोड़ा सा उसको क्या किया, स्लैब ऊपर रखा गया, उसमें सीट का अरेंजमेंट ऐसे ऐसे, उसमें गड्ढा बना हुआ, तो बच्चे इन सब चीजों से डरते हैं, उसकी बनावट ऐसी, बच्चे को डर लग रहा है, बच्चे को मान लीजिए वेस्टिबुलर स्टीमिंग है, हाइट से डरना, उसको विजुअल स्टीमिंग है, बहुत सारी तरह के स्टीमिंग सेंसरी एंड बिहेवियरल इश्यूज उसको है। उस बच्चे को जब आप वहां लेके जा रहे हैं तो क्या है कि एक तो नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है और टॉयलेट जो होता है वहां पानी का सोर्स होता है, तो पानी गिरते गिरते क्या होता है ना कि वो थोड़ा ठंडा रहता है, तो नॉर्मल रूम से उसमें जाएंगे तो बच्चे को एक तो वो अलग फील आएगी, दूसरा कि उसका बनावट वो देख के डरते हैं बच्चे, गड्ढा वड्ढा देख के बच्चा डरेगा, उसमें गड्ढा है उसमें बच्चा डरेगा, मैंने टॉयलेट ट्रेनिंग कराते समय बच्चों पर ध्यान दिया, ऐसा करते हैं वो, तो इंडियन टॉयलेट की प्रॉब्लम ये। चलिए मान लिया कि अगर उससे वो नहीं भी डरा, तो जिन बच्चों में सीटिंग टॉलरेंस नहीं है, जो बाहर में चुक्कू मुक्कू जो कि स्क्वायर सीटिंग में नहीं बैठता जैसे इंडियन टॉयलेट में हम बैठते हैं, तो फिर वो जाके अंदर में कैसे बैठ पाएगा, बाहर ही आप नहीं बैठा पा रहे अगर, तो अंदर में वो चुक्कू मुक्कू नहीं बैठेगा जैसे हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, तो जब उसमें वो बैठेगा ही नहीं, तो जब बैठेगा नहीं तो प्रॉपर प्रेशर नहीं आएगा, प्रेशर नहीं आएगा तो उसका पोटी वगैरह होगा ही नहीं, तो जाएगा चुपचाप बैठ के चला आएगा, तो ये प्रॉब्लम्स है। इसलिए तो हम बोलते हैं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले बेसिक उसकी क्या क्या नीड्स हैं उसके बारे में जानना जरूरी हो, तो उसके बारे में देख के समझ के बाहर ट्रेन करेंगे तब वहां पे जाके, उसके लिए बोला जाता है कि आप पॉटी सीट वगैरह जो आता है बच्चों को ट्रेन करने के लिए वो बाहर में रखें, कहीं पर रख के बच्चे को बैठाना पहले बाहर में सिखाएं, बाहर में सिखाएंगे कुछ दिन ट्रेन होगा, उसके बाद धीरे 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 वॉशरूम में लेके जाएंगे वहां पे उसको बैठाएंगे। ये तो हो गई एक बात।
अब बात करते हैं कि जो कमोड टॉयलेट की बात करते हैं, कमोड वाला जो अरेंजमेंट होता है, सिटिंग अरेंजमेंट, तो जैसा मैंने बताया कि बाहर रूम टेम्परेचर से ठंडा होता है उधर, और उसकी जो वो जो उसके बना होता है जिससे, वो भी काफी ठंडा हो जाता है। तो अब बच्चे को उस पर बैठाया गया, तो बैठाया गया तो क्या है ना कि जिन बच्चों में ओवर सेंसिटिविटी है, तो ओवर सेंसिटिविटी, सेंसरी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन जिन बच्चों में है, तो एक तो वैसे ही ठंडी चीजों से या फिर कुछ भी स्टिमुलस, सेंसरी स्टिमुलस से वो भागते हैं। अब क्या है कि आपने बच्चे का कपड़ा खोल के उस पे बैठाया, बैठाते ही क्या है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर से ठंडा जगह, वो सीट ठंडा, कमोड भी आपने बैठाया, बच्चे को सब ओर से ठंडा लगना शुरू होगा। अब वो सिहरन सी होगी, उसका गूज बम्स वगैरह होगा, वहां से वो भाग जाएगा। तो इस जो लोग उस पे ट्रेन कर रहे हैं, तो उनको करना चाहिए कि एक रबर का शीट आता है किनारे किनारे से लगाने के लिए, उस पे लगा दे, वो इंसुलेटर का काम करता है, तब बच्चे को बैठाएंगे उस पे, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें हमारा जो एनस का ये होता है ना, वो प्रॉपर एकदम सीधा ये में आ जाता है, वो उस पे प्रेशर पड़ता नहीं है, इसकी वजह से कमोड में जाने वाले लोगों को कॉन्स्टिपेशन हमेशा बना रहता है। तो कमोड में जाने वाले एडल्ट लोग भी ध्यान दें कि कमोड पे आप जाते हैं तो, अभी तो यंग होंगे तो चलता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे एज बढ़ते जाएगी ना, तो आपको प्रॉब्लम होगी, उसमें आपका ये नहीं होगा, फ्रेश आपका पॉटी होगा ही नहीं, तो उसके वजह से आपको प्रॉब्लम होगी, कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहेगा आपको। तो उसके लिए होता है कमोड में बैठने के लिए, नीचे एक पैर रखने के लिए आता है, स्टेपर आता है, ताकि पैर थोड़ा सा उठे और पेट दबे तो प्रॉपर एनल स्फिंक्चर खुले, एनस का ये हो, तो प्रॉपर वहां से पॉटी का ये हो, एक्सक्रीशन हो सकता है। तो बच्चे लोगों के भी प्रॉब्लम है, एडल्ट लोगों में भी प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं कि बच्चों में गट हेल्थ इशूज जो होते हैं, सबसे ज्यादा टॉयलेट ट्रेनिंग का ही इशू आता है, तो गट हेल्थ इशूज से रिलेटेड है। हम क्या कर रहे हैं, फैशन के इस दौर में हम अंधे होते जा रहे हैं, फैशन के पीछे भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, थोड़ा बिना सोचे हुए भी हम बस जो चीजें हो रही हैं करते जा रहे हैं। बच्चों को हम क्या करते हैं कि दिन रात कोल्ड ड्रिंक्स और अलग अलग प्रोसेस्ड फूड्स वगैरह, जंक फूड्स वगैरह देते हैं। इसके अलावा हम तो फ्रिज का पानी पीते ही पीते हैं, क्योंकि हमारा आदत हमारी बिगड़ी हुई है, उसके साथ साथ बच्चों को भी आदत लगाती है फ्रिज का ठंडा पानी पीने के लिए। तो फ्रिज का ठंडा पानी पीने की वजह से क्या होना कि डाइजेशन का प्रोसेस प्रॉपर वो स्लो हो गया, तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, तो प्रॉपर एक्सक्रीशन तो होना ही नहीं है, तो इसकी वजह से भी बच्चों में कॉन्स्टिपेशन, गट हेल्थ इश्यूज वगैरह आते हैं। तो इन सब बातों पे ध्यान देंगे, तब पहले बच्चे, उसके बाद से बच्चे को बाहर में ट्रेन करेंगे, बाहर में बच्चा चुक्कू मुक्कू बैठना सीखेगा, मतलब सीटिंग टॉलरेंस उसमें आएगी। तो 1 मिनट आपका बच्चा बैठता नहीं, आप टॉयलेट में चाहते हैं उसको बैठा देना, और आप उसके साथ तो बैठ के वहां पे रहेंगे नहीं, आप तो निकल जाएंगे, तो और बच्चा अकेले पड़ेगा तो डरेगा और वहां से भागना चाहेगा, चिल्लाएगा, उसके बाद से डर जाएगा, तो फिर से उसमें जाना ही नहीं चाहेगा। तो इसीलिए टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले बाहर में एक पॉटी सीट लेके आए, प्लास्टिक का जनरली होता है, वो फाइबर का होता है, उस पे बच्चे को बैठाएं, उस पे ना ठंडा लगना है ना ये करना है, ओपन स्पेस में बैठाएंगे तभी बच्चा कंफर्टेबल फील करेगा। सिटिंग टॉलरेंस तो पहले इंप्रूव करना होगा, तभी वहां पे वो बैठेगा, वहां पे पकड़ के आप बैठा सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए ये चीज कारगर हो सकती है। ये कुछ महीने बाहर ट्रेनिंग देने के बाद तब आप अंदर लेके जाएंगे तो बच्चा थोड़ा कोऑपरेट करेगा। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात पे ये आते हैं कि कुछ कुछ बच्चों को सेंस ही नहीं फील होता कि मतलब कब सुसु आई, कब पोटी आई, उनको पता ही नहीं चला। तो उन बच्चों में क्या है ना कि अब सेंसरी इशू जिन बच्चों में है, तो उसमें क्या होता है कि प्रॉपर बॉडी अवेयरनेस नहीं है, प्रॉपर सारी चीजों के बारे में वो अवेयर है नहीं, तो उसमें सेंसरी इंटीग्रेशन काफी हेल्पफुल होता है। डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर स्टिमुलेशन, टेक्टाइल स्टिमुलेशन की जब बात करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स का स्टिमुलेशन काफी इफेक्टिव हो सकता है। हम हमेशा बताते हैं जिन बच्चों में सुसु का सेंस नहीं था, पॉटी का सेंस नहीं था, तो मैंने बोला कि जेनाइटल रीजन में आप लोग सेंसरी ब्रशिंग, विल बार्गर्स ब्रश जो होता है, उसको प्रॉपरली आप यूज करेंगे घर पे, तो क्या होगा कि बच्चे में धीरे 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 सेंस वापस आना शुरू होगा। और महीना, 1.5 महीना, 2 महीना जिन्होंने ईमानदारी से काम किया है, तो उनके बच्चे में कुछ हद तक सेंस डेवलप हुए। उसके बाद से क्या होता है कि जब भी उस तरह का सेंस फील होगा तो पैंट उतारना शुरू कर देगा, दौड़ के उधर भागेगा अपने बाथरूम की तरफ। तो इतने से पेरेंट्स को समझ में आ जाता है कि हाँ अब इसको लगी है, तो इतना तो कमांड फॉलोइंग करना शुरू किया, इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी ना, इतना वो एडीएल के लिए परफेक्ट हुआ ना कि हाँ कम से कम उतना ये हो रहा है, तो अपना पैंट वेंट उतार दे रहा है, कर ले रहा है। तो उसके लिए आप अलग अलग स्टिमुलेशन बच्चे को दे सकते हैं। ये हो गई दूसरी बात।
अब बात करते हैं कि ब्रशिंग जो बच्चे नहीं करते हैं, ब्रश मुंह में डाल नहीं देते हैं, या फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ब्रश आप डालेंगे तो मीठा पेस्ट रहता है बच्चों का, अब उसको जैसे उसके मुंह में लगाएंगे तो क्या करेगा बच्चा, उसको चबाना, एक ही जगह से ब्रश चबाना शुरू कर देगा पूरा, वो जाने नहीं देता है मुंह। ओवर सेंसिटिविटी की बात यहां भी आती है, बहुत सारे बच्चे पूरा मुंह खोलने नहीं देते हैं, पूरा मुंह खोलते नहीं है। मुंह में आप उंगली लगाएंगे, अगर गलती से आपने दांत के भीतर लगा दिया मुंह के भीतर, तो दांत काट लेगा, इतना जोर से काटेगा कि फिर उसके बाद जिंदगी में आप कभी हाथ नहीं डालेंगे। तो जो प्रॉपर मुंह नहीं खोल पाते हैं बच्चे, उनके लिए ओरो मोटर स्टिमुलेशन पहले करना होता है। कुछ बच्चों में टंग टाई हो सकती है, वो ज्यादा ओवर सेंसिटिविटी जब रहेगी तो कहीं भी उसको हाथ लगाइएगा तो उसको अनईजी फील होगा, अनईजी फील होगा तो वो हमारे बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहेगा, बच्चा उसमें मुंह तुरंत बंद कर लेगा, खींच लेगा अपने आप को, अब आपकी उंगली काट लेगा, वो जानबूझ के नहीं काटा लेकिन काट लिया उसने, तो आपको तो लगेगा जानबूझ के काटे, अब उसमें आपको गुस्सा आ सकता है, आप उसको मार सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चा जानबूझ के कुछ भी नहीं कर रहा, तो उसके लिए ओरो मोटर स्टिमुलेशन करना चाहिए। ओरो मोटर स्टिमुलेशन कैसे करना चाहिए इस वीडियो में आप आगे देख सकते हैं। तो ये ओरो मोटर स्टिमुलेशन का एक्टिविटी 15-20 दिन 1 महीने करने के बाद, तब आपको क्या है कि ग्लव्स वगैरह लेके और तब ब्रश लेके उसको आपको खुद ही घुमाना होगा, टंग क्लीनर वगैरह के लिए पहले टंग का एक्सरसाइज कर लेना होगा, टंग की स्ट्रेंथनिंग बढ़ानी होगी, तब उसके बाद क्या होगा कि आप टंग क्लीनर वगैरह यूज कर सकते हैं। ये 1 महीने अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके बच्चे में 30-40% तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, एडीएल के लिए वो ट्रेन होने लगेगा। अब आते हैं कि बाथिंग की बात करते हैं, कि बच्चे बाथ नहीं लेते हैं या फिर जनरली बच्चे तो क्या होते हैं पानी से बहुत खेलते हैं, कुछ कुछ बच्चों में सेंसरी इशू बहुत ज्यादा होने की वजह से, जैसे एक बच्चा हमारे यहाँ आता है तो क्या करता है कि वो पानी बिल्कुल डालने ही नहीं देता, जैसे उसके पेरेंट्स पानी डालना शुरू करेंगे वो क्या करेगा भागना चाहेगा, वो पानी हटाएगा, फिर अपने से कभी मन किया तो ये कर लिया, तो वो पानी डालते ही उसको ठंडा लगता है, उसकी वजह से वो डालने नहीं देना चाहता। इसलिए तो सेंसरी स्टिमुलेशन के लिए बात करते हैं कि कभी कभी आइस क्यूब वगैरह लेके, जो भी सेंसिटिव पड़ी, यहाँ हो गया आर्मपिट हो गया, पैर का जो हमारा फीट का सोल जो होता है उसमें, उसके बाद से गर्दन के आसपास में, कान के आसपास में आप वो आइस क्यूब से रब कर सकते हैं, तो उससे रब करने से क्या होगा कि सेंसिटिविटी थोड़ी कम होगी, उसके बाद से बच्चा वो नहाने देगा। नहाने के टाइम में आप लूफा वगैरह आता है वो यूज कर सकते हैं, वो भी टेक्सचर का ये देगा। तो ये हो गया कि बाथिंग के लिए इंडिपेंडेंट बन, ये भी 15-20 दिन 1 महीने ट्रेन करेंगे तो इससे भी काफी हद तक वो उसमें सुधार आएगा। अब बात करते हैं कि ड्रेसिंग की, तो ड्रेसिंग में क्या होता है कि जनरली सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर वाले बच्चे ओपन टाइप कपड़ा पहनना चाहते हैं, ढीला ढाला कपड़ा, वो फुल स्लीव कपड़ा नहीं पहनना चाहते हैं, वो उनमें उसमें बंधना नहीं चाहते हैं, वो टोपी नहीं पहनना चाहते हैं, वो सॉक्स नहीं पहनना चाहते हैं। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम जिन बच्चों में है तो अभी तो ओपन ही आपको कपड़ा पहनना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं जो कि वैसा सिर्फ ओपन टाइप, सिर्फ टी शर्ट वगैरह पहनना चाहते हैं, बंद टाइप कपड़ा नहीं पहनना चाहते हैं, तो उनमें सेंसरी इशू है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, सेंसरी ब्रशिंग दिन भर में 5 बार 10 बार करें और टैक्टाइल स्टिमुलेशन वगैरह देते रहें, हेड कंप्रेशन, ज्वाइंट कंप्रेशन, जो भी चीजें, वाइब्रेटर, मसाजर जितना होता है वो सारी चीजें यूज करते रहें बच्चे पे। उसके बाद क्या होगा कि बच्चा धीरे 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 वो सारी चीजें छोड़ देगा, आराम से सारे कपड़ा पहनने लगेगा। बटनिंग अनबटनिंग फाइन मोटर एक्टिविटी का पार्ट है, उसके लिए काफी समय लगता है, उसमें शॉर्टिंग वगैरह कराना होता है, उसके बाद से ये हैंड जो ग्रिप उनका पुअर होगा तो उसके लिए इंट्रिंजिक मसल जो होते हैं हमारे हैंड के, इसकी स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज इसका कराना होगा, जिसके लिए आप थेरापुट्टी वगैरह की एक्टिविटी करा सकते हैं। थेरापुट्टी लेके क्ले जो होता है उससे गोली बनवाना, पेड़ा बनवाना, लड्डू बनवाना, उसको तोड़ना, उंगली से तोड़ना, फिर हाथ से ये करना, मुट्ठी बनवाना, तो ये हैंड ग्रिप इम्प्रूव करने के लिए, तो हैंड ग्रिप वगैरह इम्प्रूव करेंगे तब जाके वो बच्चे क्या करेंगे। और फाइन मोटर एक्टिविटीज इसमें फिंगर टिपिंग वगैरह, पॉइंटिंग वगैरह भी आनी चाहिए, तभी जाके वो बटनिंग अनबटनिंग कर पाएंगे, इसके लिए स्ट्रेंथ लगती है। पहले हम लोग सिलाया वो शर्ट पहनते थे ना, जो फॉर्मल ड्रेस जो सिलाया जाता है, तो जब वो उसमें काज बटन किया हुआ मिलता था, तो काज बटन मतलब कि वो जहां जहां हम बटन लगाते हैं उसको काज बोलते हैं, और बटन लगाना तो नया कपड़ा रहेगा, काज जो करेगा लोग तो धागे से सिएगा लोग सुई से, तो काफी टाइट होता था, तो छोटे छोटे हम लोग से खुद नहीं लग पाता था, तो पापा जी से माँ से लगवाते थे, तो वही प्रॉब्लम है कि जब पुअर ग्रिप रहेगा तो प्रॉपर नहीं ये कर पाएंगे, ये डेवलप करना होगा। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि
खाने को लेके बहुत चूजी होते हैं, वो खाना ही नहीं चाहते हैं बिल्कुल, बस ऐसे ही। तो खाना क्यों चाहेंगे? आपने शुरू से आदत बिगाड़ा हुआ है अनशन खिला के, हमेशा से फैशन बना हुआ है कि मैगी खिलाना, चाउमीन खिलाना, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सारी चीजें आप खुद ही अनशन खा रहे हैं, बच्चे को खिला रहे हैं। शुरू से आपने नमकदार और चटकारी चीजों का आदत डाल दिया बच्चे को, दाल चावल उसको ठीक थोड़े लगेगा। और जिन बच्चों में सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर या सेंसरी ओवर सेंसिटिविटी की बात है, सेंसरी इशूज है, वो क्या होना कि गीली चीजों को छूना नहीं चाहते हैं, वो तो उसमें क्या है कि अब दाल चावल एक में मिला दिया वो छूना ही नहीं चाहेगा, सूखा सूखा खाना चाहेगा। तो उसको पहले वही टैक्टाइल स्टिमुलेशन पे लेके जाएं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर पे लेके जाएं, उसको गीली चीजें जैसे ठंडा पानी गर्म पानी में हाथ डलवाएं, कॉन्ट्रास्ट का सेंस दें, ये सारी सेंसेस डेवलप करेंगे तब जाके वो बच्चा धीरे 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 उन सब चीजों पे आ जाएगा। चीविंग की प्रॉब्लम की वजह से भी हार्ड चीजें या फिर जो दाल चावल या रोटी बच्चे नहीं खाना चाहते हैं, तो उसमें वो भी ओरो मोटर स्टिमुलेशन वगैरह करेंगे तो उससे वो चीजें ठीक हो जाएंगे। तो और रही बात कि अब स्लीप डिस्टरबेंस भी कुछ कुछ बच्चों में होता है। स्लीप डिस्टरबेंस का सबसे बड़ा कारण ये है कि उसमें सिटिंग इंटॉलरेंस और रेस्टलेसनेस। सिटिंग इंटॉलरेंस रेस्टलेसनेस रहेगी, बच्चा भाग दौड़ करते रहेगा, ये करते रहेगा, बदमाशी करते रहेगा, तो उसके लिए काम करने के लिए, उसको स्थिर करने के लिए बस हेड कंप्रेशन, ज्वाइंट कंप्रेशन, सेंसरी ब्रशिंग, फेशियल कंप्रेशन, ये सारी चीजें आप करेंगे। ये 1 महीने ये सारी एक्टिविटीज अगर आपने सही से ईमानदारी से कर दिया तो आपके बच्चे में 30-40% इन सारी इश्यूज में इम्प्रूवमेंट मिलेगी, ये गारंटीड है। अब सही वे में प्लान कैसे होना चाहिए, हर बच्चे का अलग अलग प्लान होगा, एक ही प्लान सारे बच्चों में यूज नहीं होगा, हर बच्चों के लिए थोड़ा 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 अलग अलग प्लान होगा। तो जिन लोगों को भी इस तरह की प्रॉब्लम है और सालों से ये चीजें फेस कर रहे हैं, कैसे उसको हैंडल करें समझ में नहीं आ रहा है, आप हमारे साथ हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ सकते हैं। जो हमारे साथ फिजिकली हमारे सेंटर पर प्रेजेंट होना चाहते हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं फिजिकली, नहीं तो ऑनलाइन सेशन में आप हमारे आएं और उसमें हम आपके बच्चे का असेसमेंट करेंगे और उसके हिसाब से आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे और होम प्रोटोकॉल हम देते हैं ताकि आप घर पे बच्चे को उस तरह की चीजें करें, और हम रिव्यू भी बीच बीच में लेते रहते हैं। इससे क्या होगा कि आप सप्ताह में हम 2 सेशन चलाते हैं और बाकी 5 दिन का समय आपको मिलता है, तो आप क्या करेंगे जितनी चीजें आपकी करें हैं और हम रिव्यू करते हैं कि आपने प्रोग्रेस किया है, क्या एडवांसमेंट उसमें चाहिए, क्या एडवांस चीजें ऐड करनी है, वो सारी चीजें हम करते हैं, सही अप्रोच आपको देते हैं ताकि आप सही से काम कर सकें, आपका बच्चा पूरी तरह से ठीक हो सके, मेन स्ट्रीम से जुड़ सके। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मेन स्ट्रीम से जुड़े, पूरी तरह से ठीक हो, फुल्ली इंडिपेंडेंट हो, तो आपको हमारे साथ तत्काल जुड़ जाना चाहिए, 1-2 दिन का भी डिले नहीं करेंगे। जब ये वीडियो आपके पास पहुंच रहा है आप हमारे साथ जुड़ जाएं, तो इससे क्या होगा कि मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया में काफी बड़ा योगदान आपका भी होगा, हमारा सहयोग करेंगे। तो हम 5 साल के अंदर ऑटिज्म फ्री इंडिया बनाने का टारगेट लेके चल रहे हैं, देखते हैं कि आप लोग कितना कोऑपरेट करते हैं। तो जिन लोगों को भी संपर्क करना है ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, 2 PM to 4 PM में इस पे कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ADL ट्रेनिंग का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया होगा, इफेक्टिव लगा है, तो जितने लोग भी आपके संपर्क में हैं जिनको जो इस तरह की प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अंत में एक बात, हम हमेशा कहते नहीं है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं है, सिर्फ वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा नहीं। और इतनी ईमानदारी से सारी चीजें बताने वाले लोग भी बहुत कम हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही अपना काम ईमानदारी से जारी रखें तो आप सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर कर लें। इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, धन्यवाद।